भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे बरेली की बहेड़ी तहसील। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए बनाई रणनीति, 22 तारीख को घेरेंगे संसद। राकेश टिकैत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत में शामिल होंगे। कई राज्यों के किसान राकेश टिकैत कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा। जो भी किसान के पक्ष में खबर चलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। राकेश टिकैत, हम किसी भी पार्टी का चुनाव में समर्थन नहीं करेंगे। राकेश टिकैत दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को और गति देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन दिनों शहर शहर गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। बरेली के बहेड़ी पहुंचे राकेश टिकैत ने आज किसानों के साथ पंचायत की, साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला। बरेली के बहेड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत है जिसमें कई राज्यों के किसान पहुंचेंगे, वहीं 22 तारीख को किसान संसद घेरने का काम भी करेगी। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 8 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो पत्रकार किसानों के पक्ष में खबर चलाएगा उसके खिलाफ सरकार मुकदमा लिखवा देगी। अब कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है। राकेश टिकैत ने जब पत्रकारों से पूछा कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, इसकी कोई भी हमसे उम्मीद ना रखे। वादा किया था गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाया आपकी नजर? कुछ नहीं हो आ रहा है, यहाँ तो देश तो गरीब हो गया। कुछ GST में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए, अब जमीन पर किसान कितने चले हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी, देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफ़ी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहना? यही ज़्यादा बात कर रहे थे महिलाओं के, यहाँ पर सुरक्षित है और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा न अंदर से खरीद है, उनको बस उनके फाड़े गए जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। ये तो शर्मसार घटना है, इसके लिए माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी सलाम आती है कि इस तरह का व्यवहार है और सब जनता ने देखा। यहाँ पर कई किसानों में फर्जी मुकदमे लिखाए गए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो आपकी पार्टी के, हाँ लिखाए करें, सदस्य के लिखवाए गए, लिखाया करें, सरकार है तो लिखाई करे, इसके लिए पार्टी कुछ कर रही करेगी? ये तो मुकदमे 10,000 हैं, जब यो केस निपटेगा दिल्ली वाला ये मुकदमे भी निपट लेगा और क्या, एक के लिए करते हैं। तो बहुत होंगे अभी कहाँ से, अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे, जो पक्ष में किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, ये सब लोग देखते हैं।